हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आप आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप होते हैं, हर एक टाइप को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, है ना। जब इक्वल एनर्जी की दो ऑर्बिटल आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, ठीक है, टू फॉर्म इंटायरली न्यू ऑर्बिटल, है ना। जब इक्वल एनर्जी की मान लो दो ऑर्बिटल हैं और वो आपस में क्या होंगी, मिक्स होंगी, तो मिक्स होकर के एक नई ऑर्बिटल बनेगी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, यानी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड फॉर्म इंटायरली न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में दो ऑर्बिटल होंगी जिनकी एनर्जी लेवल इक्वल होगी, ठीक है। एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, तो सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल जब दोनों कंबाइन होंगी, तो जो कंबाइन होंगी, है ना, तो उनके कंबाइन होने से एक नई ऑर्बिटल बनेगी, और नई ऑर्बिटल जो बनेगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी जो एनर्जी होगी वो उन ऑर्बिटल्स के इक्वल में होगी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें, देखो जैसे यहाँ पर एक ये ऑर्बिटल है और इसका एनर्जी लेवल और इस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम है, तो जब ये दो, देखो समझो, यहाँ पर दोनों एनर्जी, दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी तो एक नई ऑर्बिटल बनेगी, है ना, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो इसका एनर्जी होगी वो इन दोनों के इक्वल में होगी, ठीक। आगे देखो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं बच्चों। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2, d2sp3, इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ ही तक पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, हो सकता हम सारे देख ले हाइब्रिडाइजेशन। तो ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है क्या बच्चों, इसमें एक s ऑर्बिटल होती है और एक p ऑर्बिटल होती है, ठीक है, और ये कंबाइन हो करके, देखो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म टू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा, एक s मिलेगी और एक p ऑर्बिटल मिलेगी, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इससे क्या होगा, टू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेगी जा करके। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कोलिनियर विद एंगल 180। ये क्या होता है, कोलिनियर ऑर्बिटल होती है और ये इनके बीच में 180 का एंगल बनता है, ठीक बच्चों। इन sp हाइब्रिडाइज हाइब्रिड 50% s ऑर्बिटल एंड 50% p ऑर्बिटल करेक्टर। देखो बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें 50% s ऑर्बिटल के करेक्टर आते हैं और 50% p ऑर्बिटल के करेक्टर आते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायगनल हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसको हम डायगनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे BeH2 की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर BeH2 में बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये, इसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल खाली है, लेकिन फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चले जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा, ये s और p मिल करके हाइब्रिडाइजेशन हो रहा, तो इसी को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। आगे बात करेंगे बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, वन s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है, 2p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, इसमें एक p ऑर्बिटल होगी और दो p एक s ऑर्बिटल होगी और दो p ऑर्बिटल होंगी और ये आपस में मिक्स होंगी और मिक्स होने के बाद में ये इक्विवेलेंट 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे,
हम बात कर रहे हैं BF3 इसका एग्जांपल है, तो बोरॉन 5 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो इसका ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा यहाँ एक, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा। तो देखो 2p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल ये आपस में मिलेंगी तो यहाँ से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसे क्या बोलेंगे, sp2, क्योंकि एक तो s ऑर्बिटल है 2p ऑर्बिटल है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद बच्चों बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल होगी और तीन क्या होंगी, पी ऑर्बिटल्स होंगी टू फॉर्म 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगी, इसी को बोलते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मेथेन में अगर कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 6 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6। इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो, ये गलत हो गया था, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पहुँच गया। अब देखो 1s 3p, तो क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आगे देखो बच्चों, हम देखते हैं थोड़ा सा, अब हम sp3 तक हो गया हमारा, sp sp2 sp3, है ना, sp3d और हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहीं पर देखेंगे हम, इनकी ज्योमेट्री जो बनेगी वो किसी और लेक्चर में ज्योमेट्री बना के दिखा दूंगा, आज सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही समझेंगे हम लोग। तो आगे चलेंगे, sp3 के बाद आ जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होगी, तीन p ऑर्बिटल होंगी और एक d ऑर्बिटल होगी, है ना, एक d ऑर्बिटल, ठीक है, और ये आपस में जब कंबाइन होंगी, मिक्स होंगी, तो इनसे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होगा। एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, अगर हम PCl5 की बात करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसमें कितनी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे, अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस 15 इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 2 12 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, 6 4 10 10 2 12 3 15 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ले लेंगे सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3s और फिर p आ जाएगा, p 3p, और फिर यहाँ पर d ऑर्बिटल आएगी, d 4 5, ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में कितने हैं, 3 हैं, ठीक। अब देखो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, d में चला जाएगा, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में 3s में 1, उसके बाद में आ जाएगी हमारी p, तो 1 1 1, और फिर आ जाएगा d, 1 2 3 1 2 3 4, और ये 5 बना लूँ, पता नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ जी दिख रहा है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा जो इस ऑर्बिटल का था, यहाँ पे आ गया, तो देखो एक तो s हो गया, 3 p ऑर्बिटल हो गई और एक d हो जाएगा, तो इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा sp3
डीहाइब्रिडाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगा पीसीएल 5 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं एस नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे बच्चों, यहां पर इधर ही से देख लेते हैं। एसपी तक तो आपने नोट ही कर लिया होगा। देखो अगला जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये हो गया था हमारा, अब ये आ जाएगा कौन सा, एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन, एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें इसका एग्जांपल ले लो। इसमें देखो एस ऑर्बिटल कितनी होगी 1, पी ऑर्बिटल कितनी होगी 3 और डी ऑर्बिटल कितनी होगी 2। तो ये सब जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इनसे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एस पी थ्री। ठीक है, कैसे, एस एफ सिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। एस एफ सिक्स की बात करते हैं, इसमें आपको एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन। तो सल्फर की बात करेंगे, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन कर लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा, है ना, 6 4 10 2 12 4 16, ठीक हो गया। तो इसकी अगर हम ग्राउंड स्टेट लिखें, ग्राउंड स्टेट तो क्या आ जाएगा, 3s 2 इलेक्ट्रॉन है। पी में देखो बच्चों 3p की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और एक और 4 है ना, 3 और 1 4 डी बना देंगे, 1 2 3 1 2 3 4 और 1 5। ठीक, ये डी ऑर्बिटल है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी एक्साइटेड, दो एक्साइटेड स्टेट होंगी, एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी लिखेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके डी में चला जाएगा। तो यहाँ बना लेंगे 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया डी में, ये पी है और ये एस है। ठीक, फर्स्ट एक्साइटेड। अब देखो इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी बच्चों, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, इस बार इस एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ एक बच जाएगा एस में, पी की बात करते हैं सिंगल सिंगल रहेगा और डी की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, एक यहाँ ये डी आ गया। तो देखो क्या, एक एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पी, पी में कितने 3 और डी में कितने 2। तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलेंगे क्या, एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन। पहचान जाओगे, यही एक इसका एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम आगे एक एक्स्ट्रा क्लास जब हम आपकी लेंगे उसमें सिर्फ पहचानना सिखाएंगे कि किसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप हाइब्रिडाइजेशन पहचानेंगे कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर उसके बाद आगे बताता हूँ। चलो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, एस पी थ्री डी थ्री, एस पी थ्री डी थ्री। ठीक है, देखो एस पी थ्री डी थ्री आपके 11th के लिए नहीं, लेकिन हाँ अगर आप नीट और जेई की तैयारी करेंगे तो आपको वहां पर एस पी थ्री और डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी।
तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे एस पी थ्री और डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, नीट में बहुत पूछा जाता है, इससे नीट और जेई के लिए है, तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा आई एफ सेवन। ठीक है, हम आयोडीन की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से यहां तक रहने दो, ये आपके उसमें पूछा जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बस उतना ही बहुत है। ठीक है, क्लास इलेवंथ के लिए आपका उतना बहुत है। इसमें क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। एक तो एस ऑर्बिटल कितनी होगी, एक पी ऑर्बिटल कितनी होगी, तीन, और डी ऑर्बिटल कितनी होगी, तीन, और ये जब आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो एक नई ऑर्बिटल बनाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है आई एफ सेवन। ठीक है, इसको आप करके भी घर में देख सकते हो आराम से। हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर में आज इतना ही रखते हैं, और इतना ही है आपके क्लास इलेवंथ के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बच्चों जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।